दोस्तों मैं हूँ फिश हंटर और मेरे नए रोमांचक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैं नदियों के किनारे भटक रहा हूँ मछलियों को पकड़ने के लिए। तो मैं खोजबीन कर रहा हूँ, छानबीन कर रहा हूँ कि किस नदी की किस छोर पे मछलियाँ मिलेगी। तो मेरे साथ वीडियो में कृपया बने रहिएगा। संभल के देखिएगा, कुर्सी भी दिखाइएगा क्या क्या है सर यहाँ पर, बताइए आप। प्लास्टिक टाइप का लग रहा है दोस्तों, ये प्लास्टिक टाइप का एक फूल लग रहा है, बिल्कुल खूबसूरत है। मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ जीवन में, किंतु ये प्राकृतिक है। तो दोस्तों देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, मैं इन फूलों को जीवन में पहली बार देख रहा हूँ अपने दोस्त की मदद से। जंगल देखिए, जंगल घूमने से क्या क्या मिलता है आप देख लीजिए, जंगल नदी प्योर प्रकृति, लग रहा प्लास्टिक। मेरे मित्र इधर भी आ सकते हैं, इधर भी काफी है फूल। मित्र ये फूल जहरीला तो नहीं ना होता है? नहीं नहीं जहरीला नहीं है। आप पौधा देखिए, ये पौधा है, इसके बारे में बताइए कुछ जानकारी है आपको। ये पौधा है, हम लोग झाड़ू यूज करते हैं, देखे होंगे वो फूल झाड़ू। हाँ, उसी का, उसी का ये हमको लगता है फूल है। काहे कि अच्छा उसी का फूल है, देखिए देखिए ना ये पौधा उसी का है। अच्छा बात और सही बोली, देखें। हाँ है ना, लाजवाब चीज। हाँ लाजवाब चीज है, आश्चर्यजनक। और दोस्तों ये ये, ये देखिए अलकुसी के पौधे, वो शरीर में लगने से फल है, फल है, लेकिन इसका सब्जी बनता है क्या? सब्जी नहीं बनता, ये जंगली है, इसलिए इसको इससे दूर रहना है, क्योंकि ये शरीर में जाने से खुल जाता है। लग गया तो नाश्ते आ जाइए, फिर गोबर लेना पड़ेगा। नाश्ते आ जाइए ना, मतलब नाश्ते लाते रहेंगे। अच्छा आपको मिला? हाँ ठीक है। पौधा है, पहली बार सही में इस फूल का दर्शन के कितनों में, जंगली आदमी हूँ लेकिन फिर भी इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। और एकदम प्लास्टिक हुआ, क्या खूबसूरत है, खूबसूरती थोड़ा थोड़ा महक है। तो इसको बीज लगाने से भी झाड़ू के पौधा उगा गेंगे है ना? हाँ इसमें तो बीज होगा, ये हमको लगता है वाइट वाला जो है। हाँ इसका बीज है। हाँ हमको लगता है बीज होगा ये। अच्छा वाइट वाला देख रहे हैं, आँख जैसा लग रहा है, वाइट में एक काला फिर से है, उसको देखिए ना बढ़िया से। हाँ, ये व्हाइट के अंदर जो, हाँ एक काला है, दाना है, काला दाना है, आँख के जैसा लग रहा है कि वहाँ से तो देख रहा है। हाँ देख सकते हैं, वाह नदी में सही में बहुत। तो दोस्तों मेरे मदद से आप लोग भी ये इस फूल को आप लोग देख पाए, झाड़ू वाला देखिए ना इधर फूल के पौधे। ये कैमरा मैन थोड़ा दिखाइए ना, बहुत सारा है, इतना सारा है कि हम लोग ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, इतना ही। रोमांचक भी है, अच्छा लग रहा है, खाने वाला रहता तो अभी हम लोग का पेट भर चुका होता खा के। चलिए आगे की ओर दोस्तों, आगे बहुत सारी रोमांचक चीज़ें दिख सकती है, तो कृपया मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा। नो बाथरूम जैसा बोलिए। हाँ चलेगा, बहुत दिन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादा घना झुआंस हो जाता है, और झुआंस में घूमने में अच्छा नहीं लगता है। अभी ठीक है, अच्छा लग रहा है, यहाँ हमको लगता है कि खेत बनाया, बगान वगान बनाया गया था, लेकिन बगान में काम करने के लिए लोग नहीं हैं, मुझे मेहनत ज़्यादा लगती है। घना जंगल है, घना जंगल हमारे किनारे, वो
देखिए दोस्त, लाल सा पेड़ हमको लग रहा है। चंदन का पेड़ है क्या? हाँ देखिए तो लाल चंदन का नहीं है, चंदन तो अंदर लाल रहेंगे तो बाहर लाल है। कैमरा में आ रहा है देखिए तो ठीक। और ये कौन सा पौधा नदी किनारे? ये पत्ते के ऊपर लग रहा फल जैसा लगा हुआ लाल लाल, फल नहीं हो सकता है हा? फल है नहीं तो ये है ना घूमर के जाति का दूसरा पौधा है, जिसे कुछ और ही नाम से पुकारते हैं। गुलर का पौधा बोले, गुलर का पौधा, गुलर। हाँ गुलर, बहुत जानकार हैं आप तो। हाँ जानकार आदमी के साथ में घूमना में अच्छा लगता है। क्या क्या कौन सा पौधा क्या बोलते हैं सब? लेकिन लेकिन आप ही तो मुझे ये फूल के बारे में बताएं, ये फूल के बारे में मुझे पता ही नहीं थी। नहीं तो हम तो पौधा को देखे ना। अच्छा ये कुछ खुशबू दे रहा है, मैं तो अभी सुना। अच्छी खुशबू है। हो सकता है फसला वसला मिले ठीक है, जाता हूँ। कैमरा मैन आप ही थोड़ा हो लीजिए। दोस्तों ये बाहर से तो दिख नहीं रहा था, अंदर आने पे दिखा कि यहाँ एक फैला हुआ लता वाला पौधा है जो बाहर तक दिख रहा है, कटीला है। और ये पानी के बहाव के कारण मिट्टी धस चुकी है तो गड्ढे या खाई की जैसा हो गया है। यहाँ मुझे कुछ घोसला तो नजर नहीं आ रहा। नदी का किनारा बिल्कुल अच्छा है, इस ओर घास वाला इलाका है, बालू भी दिख रहा है। जो आदिवासी लड़के या मित्र हैं और गाय बैल चल रही है और इस जंगल का स्थिति या लोकेशन बिल्कुल अच्छा है। बड़ा सा नीम का पौधा या नीम का पेड़ बोलेंगे, पेड़ है, पेड़ नीम का पेड़ बहुत वृक्ष विशाल है। शाल हम लोग इस तरफ चलेंगे आगे है ना? हाँ हाँ इस तरफ चलेंगे। दोस्तों ये नदी किनारा काफ़ी विशाल पेड़ है, इतने तो बता नहीं पाऊंगा कि असल में किस चीज़ का पेड़ है, किंतु पेड़ तो है जंगली। बहुत पेड़ लग रही है अक्सर नदी में ऐसा पेड़ देखिए जंगल। हाँ देखिए जंगल के किनारे एक छोटा सा बाछ है, उधर अपना और उधर एक माँ गाय चल रही है। हरा भरा घास लोग खा रहे हैं। देखिए दोस्तों देखिए नदी के किनारे बालू के अंदर भी इस इलाके के कोयले दिखाई पड़ते हैं, ये सभी जलने लायक कोयले हैं। वहाँ से आया हुआ कोयला
कोयला, पत्थर, बालू देख रहे हैं। ये देखिए थोड़े से पोखर या गड्ढे के अंदर ये चट्टान निकल आया है। मछली बहुत सारी है। मछली दिख रही है क्या? छोटा छोटा मछली, छोटे छोटे मछलियाँ तैर रही है। आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। दोस्तों ये नदी किनारे चतुर्मलय इलाका है, यहाँ काफ़ी 8 या 10 चट्टान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जंगल का उस और का लोकेशन या स्थिति को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मेरा रोमांचक वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, इसी चट्टान पर और इसी फूल के साथ। तो दोस्तों मेरे रोमांचक वीडियो फ़िलहाल यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, किंतु यहाँ पे बिल्कुल रोमांचक ख़त्म नहीं होती है। मैं आगे भी जो भी मछलियों से या मछलियों से जुड़े हुए कुछ भी वीडियो बनाऊँगा तो बिल्कुल रोमांचक होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक नए रोमांचक वीडियो पे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।